पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद रेल मंडल के चंदोसी रेलवे स्टेशन की सीमा में ट्रेन की बोगी में लड़की की संदिग्ध मौत की वारदात में पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने गैंगरेप की वारदात को संदिग्ध बताया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमन मिलने की पुष्टि की, साथ ही सीमन मिलने के आधार पर गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों का DNA सैंपल भी लिया गया है। साथ ही बताया गया कि गंभीर धाराओं में चंदोसी GRP थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और इस मामले में अगली कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की गई अब तक उसमें? चंदौसी में दिनांक 29/6/2022 को एक पैसेंजर ट्रेन में एक युवती की बॉडी मिली थी, जिसको कि उस समय लेके पोस्टमार्टम और सभी कार्रवाइयाँ और 302 में उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अंदर क्योंकि महिला से संबंधित अपराध था, जघन्य अपराध 302 का था, इसमें जो है एक स्लाइड भी महिला की प्रिपेयर कराई गई थी। उस स्लाइड की रिपोर्ट अभी FSL से प्राप्त हो गई है और इसी के आधार पे कुछ लोग जिन पर हमें शक था, जिनके ये संबंध पहले पूर्व में रह चुके हैं मृतका के साथ, जो कि इस तरह का कार्य करने के लिए जिनके पास मोटिव हो सकता है, उनके ऊपर हमने जो है उनका DNA सैंपल ड्रॉ करने हेतु उनको अरेस्ट किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी है कि उसके साथ लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, किस तरीके का कोई अभी तक कोई जानकारी आई है? क्या फैक्ट झूठ है या सच है? देखिए, इसमें गैंगरेप जैसी किसी भी घटना की कोई भी पुष्टि नहीं हुई, मात्र FSL की रिपोर्ट में सीमेन पाए जाने के आधार पर आगे DNA सैंपल मैच कराने हेतु की कार्रवाई हेतु अरेस्टिंग की गई।